हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है टैकी चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जो न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप गूगल मैप के अंदर अपने घर, शॉप, स्कूल या कॉलोनी का एड्रेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है वो पूरा देखेंगे आप। जैसे ये प्रिंट टूल एंड ट्रेवलर्स आप देख रहे हैं, इसमें फ़ोटो जो आप ये चाहते हैं आपका घर या कॉलोनी का जो एड्रेस है वो गूगल मैप में दिखाएं। गूगल मैप काफ़ी अच्छा ऐप है। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, अपने जो मोबाइल के अंदर गूगल मैप है उसे डाउनलोड करके उसे ओपन करें और मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये जो मेरा यहाँ पे वर्कशॉप है, यहाँ पे ये अरुण स्टूडियो एमडी स्कूल आप देख रहे हैं, स्लाइड करूँगा और साइड में जो यहाँ पे आप जो सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर। तो शिव मंदिर को ऐड करने के लिए आपको स्लाइड करना पड़ेगा अपने राइट साइड में, जो यहाँ पे आपको एडमिस पैलेस, यहाँ पैलेस का नाम जैसे मैं शिव जी का मंदिर इस टाइप से लिखूँगा। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपका घर का पता या फिर दुकान, जो भी आप शॉप है या स्कूल, कॉलोनी, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं शिव जी का मंदिर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आप चाहो। यहाँ नीचे आपको एड्रेस चूज करना पड़ेगा, एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैं अशोक रोड गोटन लिखूँगा, यहाँ अशोक रोड गोटन पे है और यहाँ पे जो मैप है वो आ गया। फिर आप मैप पे जब क्लिक करेंगे, जो गूगल मार्क है, ये मार्क है वहाँ आपको सही जगह पे ये रखना है। जैसे ये मंदिर जहाँ हो वहीं पे इसको मार्क करें, तो मंदिर यहाँ पे है तो यहीं पे इसको डन, यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे आप तो यहीं ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, तो स्कूल सारी कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, जो भी होटल्स वगैरह, बैंक, एटीएम, कुछ भी हो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिनेमा है तो मैं यहाँ पे टेंपल चूज करूँगा क्योंकि मंदिर का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो टेंपल पे भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, हिंदू टेंपल, जैन। तो मैं यहाँ पे हिंदू टेंपल को चूज करूँगा, हिंदू टेंपल। यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर चाहें तो मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं या वेबसाइट हो, जो भी हो यहाँ पे वो भी यहाँ पे कितने घंटे मतलब ऑन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे 24 आवर्स के लिए क्लिक कर देता हूँ। आप मतलब अगर वर्क है, आपके शॉप है तो आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हैं, इतने बजे से आपकी जो शॉप ऑन रहेगी या फिर जो भी आप स्कूल या होटल जो भी नाम है यहाँ पे डन पे क्लिक कर दें। पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है, हमें थैंक यू इन इंफॉर्मेशन लिखा आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अभी कोई ऐड नहीं है, तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है उसमें जाएं और जीमेल में देखेंगे एक न्यू मेल आई है, इसमें आप गूगल मैप की एक जो न्यू लिंक है वो उसमें देखेंगे आप यहाँ पे कि सक्सेसफुली जो मैंने लिखा था शिव जी का मंदिर हैज बीन ऐड सी और एडिटिंग। तो यहाँ पे जो पूरा बायोडाटा आप देख सकते हैं जो मैंने ऐड किया है यहाँ पे, मैप इसको देखने के लिए सी योर एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो गूगल ब्राउजर के अंदर जाएंगे और ये आपके सामने जो मैंने ऐड किया है शिव जी का मंदिर के नाम से वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देखेंगे, देखिए फास्टली शो हो गया है ये। और आप इसी तरह अपने घर किसी का भी एड्रेस यहाँ ऐड कर सकते हैं, इसी तरह आप इसमें फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल के यहाँ पे फ़ोटोज़, उस चीज़, उस जगह की फ़ोटोज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे
तो ये जो मेन आइकन पर है यहाँ पर उसकी फ़ोटोज आ जाएगी। इसी प्रकार मैं इसे गूगल मैप में भी दिखाऊंगा आपको सर्च करके कि ये शिव जी का मंदिर रियल में ऐड हुआ या नहीं, सर्च बार में सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिखूँगा शिव जी का मंदिर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो गोटन जो रोड की अशोक रोड गोटन, तो मैं गोटन लिंक दे दूँगा। यहाँ पे सर्च करेंगे आप देखेंगे ये सर्च बार में भी सर्च होने लग गया है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।